भारत में पिछले 83 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है और 4 नवंबर यानी कि दिवाली के बाद से घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और दाम बढ़ने के बावजूद तेल कंपनियां तेल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रही हैं। हालांकि देश में कीमतें बढ़ाने के पीछे हमेशा कच्चे तेल की बढ़ने वाली कीमतों का हवाला देने वाली कंपनियां इस समय पेट्रोल डीजल महंगा क्यों नहीं कर रही हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। पिछले 2.5 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, जबकि कच्चे तेल के दाम 2014 के बाद सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर आ चुके हैं। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 30% बढ़कर $88 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत आने वाले महीनों में $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसके पीछे बड़ी वजह यूएई के तेल ठिकानों पर हुती विद्रोहियों के हमले से उपजे विवाद बड़ा कारण है। वहीं रूस यूक्रेन विवाद के चलते भी कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। भारत के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर क्यों नहीं देखा जा रहा है, इसका जवाब है यहाँ के होने वाले विधानसभा चुनाव। 5 राज्यों जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के साथ गोवा और मणिपुर के नाम शामिल हैं, इन राज्यों पर प्रतिकूल असर ना देखा जाए इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम में अभी इजाफा नहीं होने दिया जा रहा है। 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच इन राज्यों में चुनाव शामिल है। माना जा रहा है कि तब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी। इस बार के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 10 मार्च को आएंगे और 7 मार्च को 5 राज्यों के इलेक्शन खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की पूरी पूरी आशंका है। माना यही जा रहा है कि 7 मार्च के बाद से कंपनियां कच्चा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के इजाफे का हवाला देकर तेल के दाम में बढ़त कर देंगी। पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले कई विधानसभा चुनावों के समय इस तरह का क्रम देखा गया है, जब चुनावी समय में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए लेकिन चुनावों के तुरंत बाद इनके भाव बढ़ा दिए गए थे। इसकी एक बानगी पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के समय देखी गई। मई 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चुनाव हुए थे, जिनको देखते हुए 23 फरवरी के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोत नहीं की गई थी। हालांकि 2 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद 4 मई को ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।